हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है एंड आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेगो क्रिएटर मॉडल 10265 फोर्ड मस्टैंग का अनबॉक्सिंग लाया हूँ। ये जो कार है ये 1960s फोर्ड मस्टैंग वाले कार के बेसिस पे बनाई गई है। ये कार के अंदर टोटल 1471 पीसेस है। ये 16+ एज के लिए है। यहाँ पे आपको मस्टैंग का बैजिंग दिखेगा। ये गाड़ी का एक लुक है एंड दूसरा एक और ऐसा ये गाड़ी का लुक है। अभी इसके अंदर हमारा जैसा पोर्श का जो मॉडल था उसके अंदर हमें पूरे पीसेस निकाल के वापस से इसको चेंज करना था, वैसा कुछ नहीं है। इसके अंदर हमें सिर्फ थोड़े से पार्ट्स चेंज करने हैं एंड हमारा ये दूसरा वाला जो मॉडल है वो बन जाएगा। ये हमारी गाड़ी का बॉक्स है। यहाँ पे इसके अंदर 1471 पीसेस है। यहाँ पे आपको जो गाड़ी का जो दूसरा मोड है उसका इंजन का ऊपर का दिख रहा है। फिर यहाँ पे ये गाड़ी के डायमेंशन दिए हुए हैं। लेंथ में ये गाड़ी 13.5 इंचेस है और ब्रेथ में 5.5 इंचेस है। यहाँ पे एक्सपर्ट का बैजिंग है, क्रिएटर एक्सपर्ट का। फिर यहाँ से आपको गाड़ी का जो है वो साइड का लुक दिख रहा है। फिर यहाँ से हमने किस इधर से इंपोर्ट हुआ है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ये गाड़ी का बैक साइड का लुक है, जैसे आप देख सकते हैं जो दूसरा मोड है उसके अंदर थोड़े चेंजेस हुए हुए हैं वो दिखाए। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है ये चार चीज़ें में आप चेंजेस कीजिए एंड आपकी दूसरी वाली कार बन जाएगी। यहाँ पे आपको इंजन का इंटीरियर व्यू दिखा रहे हैं। यहाँ पे इस कार में एक फैसिलिटी दी है जिससे इसका जो पीछे का जो पार्ट है ऐसा ऊपर नीचे होता है। फिर यहाँ पे इसका ये बैक का दिया हुआ है फोटो हमें एंड यहाँ पे ऐसे साइड के इसके फोटोज दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे जो गाड़ी का है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमें कि इसके जो पीसेस है उसके पीसेस की पूरी लिस्ट दी हुई है एंड साथ में इसका जो टायर है उसका टायर का उन्होंने साइज़ बोला है वो 1:1 रेशियो का है। सो चलिए अभी हम हमारी कार का अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। जैसे हमें मैंने आपको पहले बताया है, इसका ये जो टेप है ये ऐसा टेप ऐसे यहाँ पे ऐसे निकालिए, यहाँ से दूसरे तरीके से इसका ये टेप निकालिए। यहाँ पे गाड़ी का बैग नंबर 4 निकला है। ये 6 नंबर की बैग है, ये 1 नंबर का है। फिर ये हमारा 4 नंबर वाला बैग है। ये हमारे विंडशील्ड से ऐसा कुछ दिख रहा है, इसके लिए ये अननंबर्ड वाला बैग है। फिर ये हमारा 3 नंबर का बैग है। ये वापस से हमारा 1 नंबर वाला बैग है। ये हमारा 5 नंबर वाला बैग है। ये 2 नंबर वाला बैग है। ये हमारा 6 नंबर का बैग है। ये हमारा ऊपर से 2 नंबर का बैग है। ये हमारा 3 नंबर का बैग है। ये हमारी बुक है, इसके अंदर हमें स्टिकर्स दिए हुए हैं। जैसे हमने डेली ब्यूगल में स्टिकर्स लगाए थे वैसे हमें यहाँ पे ये स्टिकर्स लगाने पड़ने वाले हैं। सो ऐसे हमारे ये टोटल नंबर ऑफ बैग्स है। 1 के 2 बैग्स है, 2 के 2 बैग्स है, 3 के 2 बैग्स है, 4 के 2 बैग्स है, 5 का एक बैग है, 6 के 2 बैग्स है एंड अननंबर्ड वाला मतलब जिसको नंबर नहीं है वो एक बैग है। अभी आपने हमारी ये जो पूरी बैग्स देखी है ये पूरी बैग्स वैसी की वैसी रहे एंड ये जो हमारा बुक है ये अगर इसके पैकेट में रहे तब आप समझना कि आपको जो मॉडल आया हुआ है वो ओरिजिनल आया हुआ है एंड उसके अंदर कोई रिफर्बिश नहीं है। और साथ ही साथ में वो जो टेप्स मैंने आपको बताए थे पोर्श के मॉडल के टाइम पे, वो वाले टेप्स अगर वैसी की वैसी रहे तो समझ लेना कि आपको मॉडल जो है वो रिफर्बिश नहीं आया है। कभी कभी क्या होता है वो जो टेप्स है वो सेम टू सेम रहते हैं बट अंदर ये पैकेट्स ओपन रहते हैं या ये वाला पैकेट ओपन रहता है। अगर ये सब पैकेट्स बंद भी रहे और ये वाला पैकेट भी ओपन रहा तब भी आप अपना मॉडल रिटर्न कर दीजिए, बिकॉज फिर वो वाला मॉडल कंसिडर किया जाता है रिफर्बिश मॉडल है। अभी जैसे मैं ये बुक को ओपन कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसके स्टिकर्स है, अलग अलग स्टिकर्स दिए हैं नंबर प्लेट्स के। ये पोर्श के मॉडल में हमारा पूरा प्रिंटेड था, यहाँ पे इसमें ये स्टिकर्स दिए हुए हैं। फिर यहाँ पर हमारी ये बुक है, यहाँ हमें बताया हुआ है कि हमें बैग कैसे ओपन करनी है। यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि लेगो का ये जो ब्रिक रिमूवर है हमें इसे कैसे यूज़ करें। अगर आपको ये जानना है कि इसे कैसे यूज़ करना है तो आप ऊपर मैंने लिंक में मेरा वीडियो डाल के रखा है हाउ टू रिमूव लेगो ब्रिक्स, वहाँ से आप ये देख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि है ना इसको जो है आपका कोई टैबलेट रहेगा तो उसके अंदर भी आप ये बुक्स एक्सेस कर सकते हो, आपको ये बुक का खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे ये बुक के बारे में, फिर यहाँ पे हमें ये कार के बारे में थोड़ा बताया गया हुआ है कि ये कार कैसे बनी एंड ये कार का कैसे, अभी ये कार 1967 से अभी तक कैसे इसे बनाई गई है। फिर यहाँ पे हमें जो डिज़ाइनर है उसने बताया है कि ये कार के अंदर क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे हमें बताया हुआ है ईच एंड एवरी बैग के बाद में ये कार कैसे बनने वाली है एंड यहाँ से हमारा बैग वन से ये गाड़ी शुरू होती है। सो ऐसा था ये मेरा अनबॉक्सिंग का वीडियो। इसके अंदर हमें ये वाली बुकलेट मिली है एंड हमारी कार ये ऐसी बनी है, ये हमारा एंड प्रोडक्ट है। अगर आपको ये गाड़ी का बिल्ड देखना है कैसे किया है एंड इसका रिव्यू देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।